घर वापसी तो अपने आप में ही पूरा शब्द है। तो सीधी सी बात है कि निर्मल पाठक अपने घर वापस आ रहे हैं और कहानी उनके इर्द गिर्द है। तो घर आना कैसा लगता है वो सबको ही पता होगा, क्योंकि सारे ही लोग घर के बाहर काम करते हैं, अपने अपने घरों को छोड़ के जाते हैं। और आज के समय में तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत कम उम्र में सबको घर छोड़ देना होता है। लेकिन जब हम घर जाते हैं तो वो एहसास, वो खुशी हम सब के अंदर होती है। तो बस ऐसी ही कहानी है हमारी निर्मल पाठक की घर वापसी, जिसे आप देख पाएंगे 27 को, 27 मई। अभी तक जो मैंने किरदार किए हैं टीवी पे, वो जनरली मदर का कैरेक्टर होता है। हालांकि इसमें जो बुआ है वो भी एक माँ ही है, बट इसमें जो कैरेक्टर है मेरा गेंदा बुआ का, वो बहुत ही लविंग कैरेक्टर है। एक तो इकलौती लड़की है वो उस परिवार की, और उसका भतीजा आ रहा है बहुत सालों बाद। तो जिस तरह की खुशी होती है बुआ लोगों को अपने भतीजों को देखने की, मेरे ख्याल से सारी जो बुआएं हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगी कि भतीजों से जो लगाव होता है उनका, उनको देख लेने का, कि हम जब मायके जाएंगे तो हमारा भतीजा आएगा और बातें करेगा और बुआ बुआ करेगा, तो वो वैसा चार्म या वैसी खुशी मेरे किरदार में आप देख पाएंगे। मैंने कोशिश की है कि उस चीज़ को मैं उतारूँ पर्दे पर। बाकी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा किरदार है और बहुत सारे लेयर्स हैं इस किरदार में, जो आपको जब हमारी सीरीज़ आएगी 27 मई को तो वो आप सब देख पाएंगे। सपोर्ट सिस्टम इमोशनली मैं निर्मल के साथ इसमें देखूंगी, क्योंकि कहानी कुछ इस तरह है जो आप देखेंगे जब भी सीरीज़ आएगी। तो इमोशनली क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है, तो वैसा तो हम नहीं दिखा सकते कुछ लवी डवी टाइप्स की, अच्छा बहुत दुलार, लेकिन हाँ एक दुलार का पक्ष उसको लेकर है, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद उसे देख रही हूँ। तो एक जो चाम है कि उसको देखने का, कि अरे इतना बड़ा हो गया है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो सपोर्ट सिस्टम तो है, बट वो बहुत ऐसे पीछे से है कि हाँ मैं हूँ, वैसा वाला है। मैं रियल लाइफ में थोड़ी संजीदा हूँ और ये किरदार बहुत ज़्यादा मतलब फ़न लविंग है, बहुत खिलंदर टाइप का है, क्योंकि बेटी है घर की, इकलौती बेटी है, तो बहुत छोटी भी है, तो बहुत प्यार मिला हुआ है इसको, तो बहुत सबसे मतलब कि लगी हुई है, कुछ भी करवा लेना बोल देना, तो वैसा किरदार है। तो मेरे से ऐसे ही अलग है, क्योंकि मैं हालांकि मैं भी अपने घर में छोटी हूँ, बट फिर भी थोड़ी संजीदा हूँ मैं। मतलब मैं किसी के लिए ये नहीं बोल सकती कि कोई कम था, सब 20 थे। और सबसे बड़ी बात कि सब एक सूत्र में बंधे हुए थे, जो बोलते हैं ना कि माला में बना के पिरोया जाता है, वैसे ही सारे किरदार, सिर्फ किरदारों की बात नहीं करूँगी, हमारी पूरी टीम, चाहे वो प्रोडक्शन का हो बंदा, चाहे हमारे कैमरा डिपार्टमेंट हो, हमारे स्पॉट्स हो, हेयर मेकअप, सब लोग इतने कोऑपरेटिव थे कि शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी टीम, मुझे पता नहीं शायद दोबारा मिले टचवुड, सभी लोग बेहतरीन हैं। पहली बात तो मैं फिर बोलूँगी, ये लिटरेचर है। राहुल ने जिस तरह से इस कहानी को लिखा है, मुझे लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है, मैं हिंदी साहित्य मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, और जब राहुल मुझे इस कहानी को नरेट कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं इस कहानी को देख रही हूँ, मैं उस गांव को देख रही हूँ, मैं उन किरदारों को देख रही हूँ जिसका जिक्र अभी तक नहीं आया है। गाँव पे तो बहुत कुछ बना है, नो डाउट, बहुत सारी सीरीज़ बनी हैं, बट हमारे जो किरदार हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर हैं, वो आपको लगेगा कि बस हमारे बगल वाले घर का ही कोई है। तो इसलिए मुझे बहुत जुड़ाव महसूस हुआ और मैंने तुरंत हाँ कहा कि नहीं, मुझे करना है ये। ये पूरी सीरीज़ मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। मैं कोई एक इंसिडेंट नहीं बोल सकती, एक एक दिन सारे कलाकारों के साथ, मतलब रात में जब हम शूट करते थे तो इतनी ठंड होती थी, हम कपकपा रहे होते थे, और वो अलाव जला के, मतलब गांव में क्या होता है, अलाव जला के आप बैठ के एक साथ 10 पैर आते हैं उस पर, 10 हाथ आते हैं, तो वो सारे मोमेंट्स इतने प्यारे प्यारे रहे हैं कि वो भूल नहीं सकते, वो सब ऐसे चित्र की तरह हैं सामने। तो बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस सीरीज से बहुत सारी संवेदनाएँ मिली, बहुत सारी फीलिंग्स और जुड़ाव मिला परिवारों में, जिसकी ज़रूरत है, जिन रिश्तों को जीने की ज़रूरत है आज सबको, वो तो हमें सीखने को मिला ही, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी मिलेगा कि कैसे परिवार कैसे जोड़ा जाता है, और परिवार के टूटने की क्या क्या वजहें हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे आप
इस सीरीज़ में देखेंगे, जिसको राहुल ने छुआ है बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सुंदरता के साथ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं थैंक्स बोलती हूँ यूनिवर्स को कि मुझे जो भी काम आए हैं, जिन जो भी किरदार मुझे मिले हैं वो बेहतरीन मिले हैं, और जिसके साथ मैंने कोशिश की है कि मैं बेहतर से बेहतर निभा पाऊँ, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी। तो मैं बस यही बोल सकती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और सबका सपोर्ट रहा है, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे दोस्त हों, सबका बहुत सपोर्ट रहा है वो पूरी यात्रा में, इस पूरी जर्नी में यहाँ तक की। नहीं, अपसेट इंडस्ट्री से नहीं हो सकती मैं, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपने काम के लिए बहुत ईमानदार हूँ। मुझे लगता है कि काम ही वो ज़रिया है जिससे आपको पहचान मिलती है, आपके अस्तित्व को पहचान मिलती है। तो ये कभी नहीं मेरे दिमाग में आया कि मैं इंडस्ट्री छोड़ूं, क्योंकि मैं काम करने ही यहाँ आई हूँ, अच्छे किरदारों को करने आई हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा वो दिन आएगा कि मैं गिव अप करूँगी अभिनय को लेकर। पहले कभी ऐसा कुछ मोमेंट हुआ होगा? नहीं, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, क्योंकि परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं जब आप बहुत फोकस्ड होते हो अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके। तो वो सारी चीज़ें जो बाधाएं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, वो छोटी हो जाती हैं कि अरे ये तो बस ऐसे ही है। टीवी तो देखिए, टीवी मेरे लिए न्यूज़पेपर है, जैसे न्यूज़पेपर होता है आप आज पढ़े और कल चला गया, वैसे ही डेली शोज़ है हमारा, आज का एपिसोड कल का एपिसोड हम देखते हैं और वो चला जाता है। और टीवी अनलिमिटेड है, टीवी टीआरपी बेस्ड है, लेकिन हम यहाँ पर वेब में कहानी लेकर आते हैं, यहाँ पे हम एक किरदारों को पूरा आकार देते हैं, उस पर काम करते हैं, और एक ठोस, आजकल के राइटर्स तो बेहद अच्छे हैं, वो एक मुद्दे को भी समाज के सामने लेकर आ रहे हैं इन सीरीज़ के ज़रिए, जो हम टीवी में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अपनी लिमिटेशंस हैं, बंदिशें हैं टीवी की, जो वेब में नहीं है। तो ये एक अच्छा पहलू है वेब का, कि हम उन चीज़ों को छू पा रहे हैं, उन मुद्दों को छू पा रहे हैं जो हम टीवी में नहीं दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है वेब की, जो टीवी से हमें आगे लेकर जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कलाकार कलाकार होता है, उसके लिए माध्यम मायने नहीं रखने चाहिए, चाहे वो टीवी हो, मंच हो, वेब हो, चाहे सिनेमा हो, काम आपको हर जगह करना है। तो मंच मायने नहीं रखता है, कोई भी मंच हो, कलाकार को अपना काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग सिनेमा कर रहे हैं, वेब कर रहे हैं, वो भी यही सोचते होंगे कि हमें काम करना है और बेहतर और अच्छा काम करना है। मैं रियलिटी शोज़ से सच बताऊँ तो थोड़ा दूर भागती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी प्राइवेट पर्सन हूँ, मुझे लगता है कि मेरा काम और मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है वो थोड़ी अलग रहे, मैं मिक्स मैच नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सुंदर सा परिवार है, मेरी छोटी सी बेटी है, मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी भी तरह से बाधित हो। काम अपनी जगह, परिवार अपनी जगह। बस यही कहूँगी कि स्वागत कीजिए निर्मल पाठक का, 27 मई को वो आ रहे हैं घर, और मैं चाहूँगी कि आप सब उतना ही प्यार निर्मल को दीजिए जितना आप मेरे सारे शोज़ को दिए हैं, और उम्मीद करूँगी कि आप शो देखने के बाद फीडबैक देंगे कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। बेहद शुक्रिया।